दोस्तों आपको तो पता है कि इन दिनों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि भैया अक्षय कुमार के पहले फिल्म की हीरोइन यानी कि शांति प्रिया इस बात को लेकर काफी चर्चाओं में है कि भैया वो बहुत जल्दी ही बिग बॉस के घर का हिस्सा बन सकती है। यानी कि भैया उन्होंने अपनी तरफ से ये ग्रीन सिग्नल दे दी है कि अगर बिग बॉस की तरफ से उनको बुलावा आता है तो वो इस शो का हिस्सा जरूर बनेगी। तो दोस्तों इस बात पर तो हमारी निगाहें टिकी है कि क्या वाकई में शांति प्रिया की एंट्री होने जा रही है बिग बॉस 14 में। तो भाई उस बात पर तो हमारी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच में शांति प्रिया का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड में उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया उनके रंग रूप को लेकर। तो भाई इस इंटरव्यू में शांति प्रिया ने क्या कहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की पहली फिल्म यानी कि सौगंध की हीरोइन यानी कि शांति प्रिया से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि शांति प्रिया बिग बॉस के घर का हिस्सा बनना चाहती है, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से यह ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर उनको बुलावा मिलता है तो वो इस शो का हिस्सा जरूर बनेगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने दिल की बात सबके सामने रख सकती है। तो भैया ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो बिग बॉस का हिस्सा बनती है कि नहीं, लेकिन इसी बीच में उनके द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड में उनके काले रंग का मजाक उड़ाया गया था जब वो बॉलीवुड में काम कर रही थी। तो दोस्तों उन्होंने बताया भैया कि ये काले गोरे वाला जो मुद्दा इन दिनों काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, ये आज से नहीं है, यानी कि भैया बॉलीवुड में ये मुद्दा तो भैया 80-90 से ही देखने को मिला है। यानी कि उन्होंने बताया कि जब वो बॉलीवुड में काम कर रही थी तो कई बार उनको शर्मिंदा किया गया उनके रंग रूप को लेकर। यानी कि भैया एक इंसिडेंट की जानकारी देती उन्होंने बताया, भैया एक बार जब वो अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि सौगंध में खुद से मेकअप करके सेट पर पहुंची थी तो भैया उस फिल्म के डायरेक्टर ने उनको डायरेक्ट ये पूछा कि भाई आपका ये मेकअप किसने किया, तो भाई उन्होंने यही बताया कि भाई ये मेकअप मैंने खुद से किया क्योंकि वो अपनी फिल्मों के लिए खुद से मेकअप करती थी। उन्होंने ये जानकारी अपने डायरेक्टर को दी लेकिन डायरेक्टर को ये बात पसंद नहीं आ रही। उन्होंने बताया भैया कि आपका जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है हीरो का कलर से और आपको फिर से एक बार मेकअप करवा के आना पड़ेगा। यानी कि भैया उस फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे ये बात कही भैया 100-200 लोगों के सामने और उस वक्त उनको काफी बुरा लगा था इस बात को लेकर। एक ऐसी घटना का जिक्र करते हुए शांति प्रिया ने बताया कि जब वो अक्षय कुमार के साथ दूसरी फिल्म में काम कर रही थी, यानी कि भैया अक्षय कुमार और शांति प्रिया की फिल्म इक्के पर इक्का के शूटिंग में जब वो अक्षय कुमार के साथ थी तो भैया अक्षय कुमार ने भी मजाक में उनके साथ में उनके रंग को लेकर मजाक कर दिया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शांति प्रिया ने यह भी कहा कि भाई एक फिल्म से उनको इस बात के लिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो गोरी नहीं है। यानी कि उन्होंने बताया भैया कि वो एक फिल्म के लिए फाइनल हो चुकी थी, यानी कि अजय देवगन की फिल्म के लिए वो फाइनल हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनती कि उनको सीधा ये बोलकर इस फिल्म से बाहर कर दिया गया कि आपका रंग गोरा नहीं है। और इन बातों को बताते हुए उस इंटरव्यू के दौरान यानी कि भैया 9-12 टाइम्स को दिए इस इंटरव्यू के दौरान शांति प्रिया काफी इमोशनल भी हो गई थी कि भैया उनको कितना जलील होना पड़ा था अपने रंग की वजह से, यानी कि भैया बार बार उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया बॉलीवुड में। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप शांति प्रिया की बातों से कितने कन्विंस हैं और आपको क्या लगता है शांति प्रिया ने जो बातें कही है कि भैया जो भेदभाव वाला जो माहौल रहा बॉलीवुड में वो आज से नहीं बल्कि पहले से चलता आ रहा, भाई इस पर आप कितना एग्री करते हैं अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल इंजेक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज़ जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।